पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फाइव बराबर -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलॉम। ठीक है, ऐसा फ्लक्स बन रहा है एक पॉइंट चार्ज के कारण। थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, विद सेंटर एट द चार्ज, सेंटर ऑफ द विद सेंटर एट द चार्ज, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, उसे बड़ा कर दिया गया, आर 10 की जगह 20 सेंटीमीटर हो गया, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। तो आप देखिए यार, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर्मूला, तो क्यू चार्ज के मैग्नीट्यूड पे तो फ्लक्स निर्भर करता है लेकिन रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस पे नहीं डिपेंड करता है, यहाँ आर का कहीं टर्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग फ्रॉम चार्ज एनक्लोज्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, या आप ये भी बोल सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, देयरफॉर इन बोथ द केसेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम एंड इट विल बी -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर तो खाली बातचीत में ही निकल गया। अब दूसरे में आपसे वो पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो क्यू पूछा गया है, क्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये है -750 और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 × 10⁻¹2 इन दोनों को आपस में बढ़िया से मल्टीप्लाई करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाइए, ये ऐसा आ गया लेकिन बुक से मैच करना पड़ेगा हमें आंसर, तो हम कितने 1, 2, 3 डिजिट इधर जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा -6.6375 × 10⁻¹। अब ये कितना, हम लोगों ने 1000 गुना कम कर दिया इसको, तो यानी कि इसको 1000 गुना बढ़ाना पड़ेगा, इसको आप कर सकते हैं -6.64 × 10⁻¹⁹ कूलॉम और यही हमारा आंसर बुक में भी दिया गया है। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।